बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पब्लिक इश्यूड में हम देखेंगे कि हम फुल नेम को किस तरह फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये कि आप इसको मैनुअली इस तरह लिख दें, फर्स्ट नेम इससे फुल नेम से देखिए यूएल डेविस, और आप लास्ट नेम भी देखे इस तरह लिख दें, जिस तरह ये सेकंड नेम इसका आपका फर्स्ट नेम इस तरह लिख दें और लास्ट नेम इस तरह लिख दें, तो ये बहुत टाइम लेते हैं। ठीक है, कर तो सकते हो लेकिन बहुत टाइम लेते हो और अच्छा भी नहीं लगता। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल से तरीके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, फुल नेम जो कॉलम है उसको सेलेक्ट करना है सारे, ठीक है, जितने भी आपका फुल नेम से। फिर आपको डेटा टैब में आना है, ठीक है, ये मेरा डेटा टैब है। ठीक है, फिर इसके अंदर टिक्स टू कॉलम एक टैब होगा, वो आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करते हूँ मैं। अभी आपको डिलिमिटेड आपको इधर सेलेक्ट करना है सिंपल से, और इनिस्ट और क्लिक करना है। आपके फुल नेम के दरमियान क्या है, स्पेस है ना, तो आपको स्पेस सेलेक्ट करना है। अगर इसके दरमियान कॉमा होगा तो आप कॉमा सेलेक्ट कर सकते हो, अगर इसके दरमियान सेमी कॉलम होगा तो आप सेमी कॉलम को सेलेक्ट कर ले। ठीक है, अभी हमारे पास है स्पेस, तो मैं स्पेस को सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आपको ये इधर आपका डिस्टिनेशन है, ठीक है, आप किधर आप स्प्लिट करना चाहते हो, तो ये मैं फर्स्ट और लास्ट नेम में स्प्लिट करना चाहते हो, तो ये मेरा डिस्टिनेशन को सेलेक्ट कर दूंगा इधर। ठीक है, तो ये मैंने ये डिस्टिनेशन को सेलेक्ट कर दिया, और आपको सिंपल सी फिर करना है फिनिश पर क्लिक करना है। तो मैं फिनिश को क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि मेरे एक सेकंड के अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारे स्प्लिट हो गए, फुल नेम मेरा स्प्लिट हो गया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में। तो आप इस तरह फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को स्प्लिट करते हो एक्सेल में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।